ग्रिसन की ये टीम है, एश को हम देख पा रहे हैं ये रिजेस के आसपास है। आई थिंक ड्रैगन ने स्पॉट दूर से कर लिया आयमाजी को, बच गए बट नहीं बचे हैं। एक्चुअली प्री फायर में थोड़ा सा काफी अच्छा खासा डैमेज दे दिया आयमाजी को, थोड़ा सा हील अप करना पड़ेगा। एश फिर से वही नेट खोल चुके हैं, जब भी ये प्लेयर नेट खोलता है ना मेरे को डर लगता है कि एक ना एक प्लेयर को लेके ना चले जाए। ये ग्रेनेड्स काफी लीथल साबित होने वाले हैं और साथ में जी आज आपको मिलेंगे जो कि खेल रहा के लिए गॉड निक्सन की टीम से टेबल टॉपर सामने मजिक है। बट मजिक अगर यहां से अभी अटैक करते हैं पाउंस करते हैं तो एश के लिए मुझे नहीं लगता कोई मौका मिलेगा। नीड एश गोस डाउन, दैट नेड वाज सो ऑन पॉइंट, कार्नेज ओपी, यू आर ओपी बिकॉज दिस नेड एक्चुअली वाज वेरी वेरी लीथल। मजिक मीनवाइल अभी के लिए स्कारल के साथ, सोल ज़ेरफ काफी जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज मजिक की टीम जो अभी के लिए यहां पर पाउंस ऑन करती हुई आपको देखने को मिल रही है गॉड निक्सन टेबल टॉपर। ये कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है यहां पर और कि आप टॉप की जो टीम है उसे डाउन कर दो और उतार चढ़ाव पॉइंट्स का यहां पर एक छोटा सा बर्स्ट था बिकॉज स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 40 का ही वहां पर रीलोड था। मजा आया ये वाले डीपी के बर्स्ट में, मजा आया। बट आई थिंक मैं इसी की बात कर रहा था कि यहां पर नॉक वाला रिवाइवल ना हो जाए, इससे पहले अटैक कर दो। एंड कैस्ट्रो भी लाइक रुको, एक नॉक से काम नहीं चलेगा, मैं एक और निकाल कर देता हूं। Exactly, and now it's the time to rush. क्योंकि दो नॉक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्लेयर्स का, you know, ammunition कम होगा and for sure यहाँ पे healings भी कम होगा, but third party and वही बैठ गया ना मैं आज वाला, ये दिक्कत बड़ा हो सकता है। Blind spy OP जो आगे बढ़ रहे थे वो रुक चुके हैं, but पीछे से भी देखिए एक और गाड़ी जाते हुए, what is happening यहाँ पे, third party fourth party भी चल रहा है। Blind spy OP के four king को लूप को डाउन कर चुके हैं, but क्या रश कर सकते हैं, क्योंकि रश जैसे ही करते हुए निकलेंगे ना वहां पे for sure एक दो शॉट्स तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरीके से कैस्ट्रो की टीम अटैक कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि ये डोमिनेट तो कर देगी, बट मुझे थोड़ा सा डर इस बात का भी कि यार डॉकी के सर पे हेलमेट नहीं है, जल्दी से उन्हें हेलमेट दो। ब्लाइंड पाब्लो ठीक है, बैंडेज लगा लो क्योंकि आपने पोजीशन रिवील तो कर ली है, बट इस मॉली से भी बच लो, बैंडेज से काम नहीं चलेगा, डॉक हो जाओगे। यस पाब्लो इज ऑन फायर, कैस्ट्रो हैविंग दैट M249, नाउ इट्स टाइम टू पाउंस ऑन। यस बडी, नाउ इट्स टाइम टू गेट दैट अटैक डन। ओ बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई, स्पाई और पाब्लो दोनों डाउन हो जाते हैं। फोर किंग का जो एक्सपोजर था कंपोजर का उनके काफी ज्यादा काम आया। फरारी दिख देते हैं माइक्रोस के साथ, टीपी पे स्विच करेंगे, एक नॉक करने की कोशिश, एक नॉक कर भी देंगे सामने से वहां पर, फोर किंग ग्रुप आते हैं डैमेज करके प्रयास करते हैं, रोड डाउन डाउन, बट यहां पर अभी के लिए डॉक ही डाउन हो जाते हैं। टीम कैसे सोलो रश बच जाएंगे कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा बिकॉज इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने वहां पर कार्टून है और नारुतो है, नारुतो खुद भी कार्टून है और उनकी टीम में एक कार्टून है। देन यू गो विद दैट विनिंग गॉर्जियस गो साथ सोलो रश मींस द लास्ट मैन, इट्स नॉट एट ऑल इजी एंड नाउ इट्स द टाइम वी हैव लास्ट टॉप 18 सोलो रश पर अग्रेस करने का एक अच्छा मौका। M249 है, M249 ब्रर रैप करने का मौका, रैप की बात हो रही है तो रैप यहां पे शुरू कर देते हैं बिग M249 के साथ। यहां पर मौका बहुत अच्छा है, ड्रैगन नीचे बिल्कुल लेकिन सामने आपको मिलेगी टीम क्रॉन्टन की, ब्लीड जिया की टीम, ब्लाइंड जिया की टीम, आपको राइट साइड भी देखने को मिलेगी स्मोक का तराने का एक अच्छा मौका। और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस मैच के अंदर, न जाने कैसे मैंने सोचा नहीं था कि आफ्टर पार्टी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पर मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज राइट हैंड साइड से जो रेवन के टूथ आने वाले हैं, इनका नाम है टूथलेस, मुश्किल हो जाएगी इनके टूथ के लिए अभी। Exactly, and कार्टून अभी भी अकेले बचे हुए, उन्होंने M249 तो हाथ में ले लिया, स्मोक कर दिया ताकि उनका पोजीशन यहाँ पे विजिबल ना हो जाए। देखिए अभी बैग भी उतारते हुए दिखेंगे एंड इंटरेस्टिंग बात ये होगा क्योंकि M249 दोनों है यहाँ पे, स्पॉट तो कर लिया है बट इंटरेस्टिंग बात होगी क्या वो निकाल पाएंगे। दो भाई यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, ब्लाइंड किसी यहाँ पे शॉट लेने, फॉक्स ओपी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं गटर का इस्तेमाल करने का, बट अभी भी चांस उनके पास है, जब तक ये गटर के अंदर है तब तक आई थिंक सेफ होंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये कि 8वां जोन शुरू होने वाला है एंड एक यहाँ पे देखो 14 प्लेयर्स, 6 टीम्स अभी भी अलाइव है अभी। ओह मैन, यहाँ पर रेवन की टीम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और टॉप 5 में भी आ गए, 8 फिनिश पॉइंट्स भी इनके पास है, बट सामने अगर आप देखो तो आपको मिलेगी टीम हस्तर, ट्रांस वहां पर है, ऑरेंज रॉक के एंटो वहां पर आपको मिलेगी और हस्तर खुद वहां पर मौजूद है जो इस टाइम काफी एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। रेवन यू एक्चुअली स्पॉट्स हिम, वाओ कम अप विद द ग्रेनेड ब्रो, आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रेनेड टू कम, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये लो फिर हो गए नॉक आउट, उधर से वहां पर टीम सोलो रश बची हुई है, वी आर हैविंग टीम हस्तर रिलैक्सिंग एंजॉयिंग, बट ऑन टू द अदर साइड टीम वादियार थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ चुके हैं। सोलो रश AKM 4x माय गॉड एंड ज़ोन का डैमेज, 3 फिनिश पॉइंट्स के साथ संतोष होना पड़ेगा। गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव आवर टॉप 3 टीम्स विद अस एज ऑफ नाउ, टीम क्रॉन्टन, टीम हस्तर एंड टीम वादियार, व्हाट्स योर पिक, व्हाट डू यू थिंक is whom do you think is gonna get this taken dinner as of now?
आई थिंक हस्तर की टीम के पास एक नंबर एडवांटेज भी है, बट सामने हर एक प्लेयर, आई थिंक तीनों टीम से दो दो प्लेयर बाकी है, तो टू वर्सेस टू वर्सेस टू एक परफेक्ट सिनेरियो। बट आई थिंक कोई भी प्लेयर यहाँ पे अगर हील बैटल करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक चांस हो सकता है। 4 सेकंड्स है, उसके बाद यहाँ पे निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन चालू होने लगेगा, स्लो मूवमेंट होगा, बट फिर भी देखा जाए हर एक प्लेयर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक दो शॉट्स लिए गए, कुछ प्लेयरों का पोजिशन तो रिवील हुआ है, बट अभी भी यहाँ पे पिक करना कि एग्जैक्टली कौन निकाल के लेके जाएगा वो इम्पॉसिबल है मायावी, क्योंकि जिस तरीके से तीनों के तीनों टीम्स ने खेला है इनको सेपरेट करना अभी के लिए तो मुश्किल है। देखिए 2v2v2 की फाइट, वी हैव एंटो एक्सपीरियंस खिलाड़ी, वी आर ट्रांस, उन्हें तो वैसे ही ऑफिशियल्स का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है, ले लीजिए। बोलते ही बोलते आपको फिनिश वीडमैन का नाम दिखेगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमेशा काम में आता है। एंटो आयरन साइड पर एकेएम चला रहे हैं, M4 का स्प्रे, वाशु माइट गो डाउन, मीनवाइल टूथलेस कीकी को डाउन कर जाते हैं, पीछे से वादियार की टीम परेशान करती नहीं, वो 2v2 की फाइट एकदम से 1v1 के अंदर कैसे बदल गई, उधर से वाशु अकेले पड़ गए, इधर से ट्रांस अकेले पड़ गए, बट वादियार इज लुकिंग रियली स्ट्रांग बिकॉज उनके पास अपनी proper number advantage hai. Now it's between Trance and team Wadiyar. Will Hustler win this game? Will Trance be able to win this game for Hustler? I say yes because main yahan par back karunga Trance ko. Oh nahi, ye mere liye mushkil bada denge because ye meri prediction thi jo ki yahan par spot hote hi black. Oh yahan par Trance ko spot karte dikhe rahe, but ye spot kar liya, khade hote damage ka prayas karte shot karke piche aage aggress karte Wadiyar ko lenge down kar denge. Team Wadiyar coming up with a chicken dinner. Ladies and gentlemen, 6x par Sam yahan par ek knock nikal dete hai, but इंस्टेंट पनिशमेंट यहां पर मिलती है पेन की तरफ से, M24 चलती है, यही बोल रहे थे ना आप और कि स्नाइपर देखने में मजा आएगा, यू से स्नाइपर एंड वहां से जूसी के स्नाइपर का एक शॉट भी आ जाता है एक और ग्रेनेड भी फोर किंग क्योया की तरफ से, जहां पर टीम 16-1 को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। अब भी बच जाएंगे हमारे पास 4 टीमें, सामने विली गेमिंग जो जोन से डैमेज लेकर आ चुके थे उन्हें यहां पर अभी के लिए वापस मिल चुका है, बट ये M24 ने रुकने का नाम नहीं दे रहे, क्विक स्कोप के चलते पेन यहां पर बैक टू बैक स्नाइपर शॉट देते जा रहे, 3 नॉक करने का मोशन यहां पर बहुत अच्छे कर रहे थे, कैसी बताश spots one out, Jazzy goes down, Jordan is open, having that M249, but Jazzy has the same with that M24, yahan par instant punishment, Willy might have that chicken, because do players wahan par bache hue hain, number advantage unke paas aata hai, kya lag raha hai aur ki yahan par nikal kar jane wali hai Willy Gaming ki team ek chicken dinner। हाँ, हमने एक्सपेक्ट तो किया था विली गेमिंग की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, एंड आप लोग उन्हें बेस्ट क्लासिक प्लेयर का दर्जा तो दे ही चुके हैं, आई थिंक अभी इस स्ट्रीमर बैटल में आई थिंक फॉर श्योर एक अपर हैंड होल्ड करेंगे, क्योंकि नंबर्स एडवांटेज है उनके पास, जेजी अकेले हैं एंड 4 किंग के क्योया यहाँ पे अकेले बचे, एक मोलोटॉव यहाँ पे थ्रो इन तो किया गया, बट क्या जेजी को डैमेज दे पाएगा, डोंट थिंक सो, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, बट जिस तरीके से यहाँ पे विली एंड डेथ नोट ने होल्ड रखा है ना वो इंटरेस्टिंग होगा। प्रोन डाउन हो चुके हैं, स्पॉट हो चुके हैं, जैसे ओपन में आएंगे डेथ नोट I think यहाँ पे फंसेंगे and एक 1v2 situation में फंस चुके हैं, but जेजी पिछले मैच में भी अकेले बचे हुए थे जहां पे पोचिंग के पिच ऑफ किया था, बट गाड़ी लेके निकल चुके विली गेमिंग, एंड देखिए दिस इज अ बोल्ड मूव, क्योंकि हमें पता है कि फ्लैंक करने से आपको एक और एंगल मिल सकता है, आप कितना ज्यादा स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जेजी को जैसे स्पॉट करेंगे आई थिंक दिस विल बी अ मोमेंट, जैसे जेजी को स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया जाएगा। World's best classic player for a reason. Flanks देखे, bold move आप देखे, split बना दिया यहाँ पर, but Jazzy अभी यहाँ पर spot कर चुके, और क्या trap बनाया, Willy you beauty man.